everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. 11 signs your divine masculine will return after separation. अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल लिए हैं और कुछ रीजन से आप अलग हो गए हैं, या आपके ट्विन आपसे रन कर रहे हैं और एक तरह से आप सेपरेशन फेज में हैं, तो हो सकता है आप सोचते होंगे कि क्या आपके ट्विन फ्लेम वापस आएंगे. सो इन टुडेज वीडियो आई विल लेट यू नो सम साइंस विच रिवील्स योर ट्विन फ्लेम विल रिटर्न. भले ही आप अपने ट्विन फ्लेम से दूर हों, बट दिस कनेक्शन इज इनएविटेबल. चलिए देखते हैं क्या है वो 11 साइंस. साइन नंबर 1, आपके ट्विन फ्लेम आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स सेपरेशन के बाद आपके पास वापस आएंगे, वो ये है साइन नंबर 1. कोई ऐसी जगह, आपकी कोई ऐसी जगह होगी जहां आप बार बार जाना पसंद करेंगे, जिसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होगा. वो जगह हो सकता है आप पहले अपने ट्विन के साथ गए हो, या आपको बहुत पसंद हो वो प्लेस, पर अब आप कोई एक ऐसी जगह होगी जहां जाना आप जरूर पसंद करेंगे. साइन नंबर 2, आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स रिटर्न होंगे सेपरेशन के बाद. ऑल ऑफ अ सडन एक्साइटमेंट से भर जाएंगे आप. आपको समझ नहीं आएगा व्हाई यू फील डांसिंग एंड योर हार्ट इज जंपिंग विद जॉय. आपके मन में खुशी एक्साइटमेंट रहने लगेगा. आपको रह रहकर हंसने का मन करेगा. एज योर सोल नोज एवरीथिंग विल सून फॉल इनटू प्लेस. साइन नंबर 3, आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स रिटर्न होंगे आपके पास सेपरेशन के बाद. आप अपने ट्विन फ्लेम को दिन में बहुत बार फिर से सोचने लग जाएंगे, पर अब हैवीनेस और मिसिंग एनर्जी बिल्कुल नहीं रहेगी जो पहले रहा करती थी. दिस इज बिकॉज योर ट्विन फ्लेम इज थिंकिंग अबाउट यू टू. यू आर पिकिंग अप देयर एनर्जी. साइन नंबर 4, आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स रिटर्न होंगे सेपरेशन के बाद. यू एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस. जब ऐसा फेज आ जाए तब जानिएगा कि आपके ट्विन फ्लेम आपके पास आने वाले हैं. अब आपकी लाइफ इजी गोइंग होने लगेगी. यस, ऑल्दो लाइफ इज नॉट प्रॉब्लम फ्री, बट ऑल योर डाउट्स वरीज एंड नेगेटिविटीज आर गॉन. अब आप अपने आप में खुश रहना सीख लेते हैं. देयर इज अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट दैट सराउंड्स यू. आप अपने आप में कंप्लीट फील करने लगेंगे. साइन नंबर 5, आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स रिटर्न होंगे सेपरेशन के बाद. अब आप अपने ट्विन फ्लेम का प्रेजेंस को फील करने लगेंगे. आप अपने डीएम के इमोशंस को सेंस कर पा रहे हैं, कर पा सकते हैं, और आप फील कर पाएंगे कि उनको आप सुन पाएंगे, उनको आप फील कर पाएंगे, उनकी आवाज को आप महसूस कर पाएंगे कि कोई आपके साथ है और बातें भी कर रहा है. देन दिस एनर्जी विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ रियल फिजिकल एनर्जी. साइन नंबर 6, आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स रिटर्न होंगे सेपरेशन के बाद. यू बिकम अ स्पिरिचुअल पर्सन. अब आपको मेडिटेशन पूजा पाठ करना अच्छा लगेगा. आप अगर पहले कुछ भी नहीं करते थे तो अब करने लग जाएंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम नॉन फिजिकल रियल में हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए अब आप स्पिरिचुअल बनते जाएंगे. सेपरेशन के बाद आपको स्पिरिचुअलिटी अट्रैक्ट करने लगेगी. साइन नंबर 7, आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स रिटर्न होंगे सेपरेशन के बाद. आपको पता लग जाएगा कि ये कनेक्शन कभी फेड नहीं हो सकता. आपको विश्वास हो जाएगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स आपके प्यार को कभी भुला नहीं पाएंगे. डीप डाउन यू बिलीव दैट दिस कनेक्शन इज अनब्रेकेबल. साइन नंबर 8, आपके डिवाइन मैस्कुलिन रिटर्न होंगे सेपरेशन के बाद. अब आप पहले से ज्यादा सोने लग जाएंगे.
हाँ आपने सही सुना, अब आप पहले से ज्यादा सोने लग जाएंगे और ये इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स हमारे अंदर पावरफुल एनर्जी ट्रांसमिट करती है जिसे हम सोते समय अब्सॉर्ब कर सकते हैं। एज वेल मदर नेचर एक्टिवेट्स डिवाइन कोड्स व्हाइल यू स्लीप, इसलिए अगर आप ज्यादा नींद ले रहे हैं तो लेते रहिए। Yes, your divine masculines will definitely come back. Sign number 9 देखते हैं, आपके divine masculine separation के बाद return होंगे। Your old beliefs related to religion, society and morality started changing. They starting shaking your soul. अब आप समझने लग जाएंगे कि जो कुछ भी आपको बताया गया या पता है उससे आगे भी reality है। साइन नंबर 9 देखते हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन सेपरेशन के बाद रिटर्न होंगे। आपके बॉडी में काफी सारे चेंजिंग आपको फील होगा जिसमें आंखों का कलर, आपके बोलने का तरीका, हंसने का स्टाइल, आपका नेचर शांत होने लगेगा। पहले अगर किसी बॉडी पार्ट में पेन बना रहता था वो अब खत्म हो जाएगा। आपके चेहरे की ग्लो, स्किन की टोन, एक लेवल लाइटन होना शुरू हो जाएगी। ये सब इंडिकेट करता है कि आपके ट्विन फ्लेम लौट कर आएंगे। साइन नंबर 11 एंड द लास्ट साइन, आपके डिवाइन मैस्कुलिन सेपरेशन के बाद रिटर्न होंगे। आपको न्यू बिगिनिंग के साइन दिखने लगेंगे, लाइक पेयर ऑफ स्वान्स दिखना या मेडिटेशन में वुल्फ, लायन या डॉल्फिन देखना, या आपको बटरफ्लाइज, डेफोडिल्स दिखने लग जाएगा। आपको कुछ नया करने का मन करेगा। जो आपने पहले अपने जितने भी आपकी लाइफ हो, जो एज हो, रिगार्डलेस आपने पहले कभी नहीं किया वो आपको करने का मन करेगा। ऐसा कुछ नया, नई चीजें, और वो नई चीजें आपके ट्विन फ्लेम से रिलेटेड हो सकती हैं। जैसे अगर वो कुछ ओल्ड सॉन्ग्स के शौकीन थे या कुछ ऐसा फूड जो आपके डीएम का फेवरेट था वो आपको पसंद आने लगेगा, तो कुछ नई चीजें आप करने लग जाएंगे। तो ये थे कुछ 11 पॉइंट्स जिनसे आप जान सकते हैं, क्लू ले सकते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन, अगर आप सेपरेशन फेज में हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास वापस लौट के आएंगे क्या। इन 11 साइंस से आप जान पाएंगे कि यस, आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स आपके पास जरूर वापस लौट के आएंगे। ये 11 साइंस से आप जान सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो आज के ऊपर कि क्या आपके डिवाइन मैस्कुलिन सेपरेशन के बाद आपके पास लौट के वापस आते हैं, क्या कैसे आप पता कर पाएंगे कि हाँ आएंगे या इस लाइफ टाइम में आपका पॉसिबल नहीं है मिलना। तो ये था मेरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच माय सोल ब्रदर्स एंड सोल सिस्टर्स, आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स की आप सब इस जर्नी में आगे आए और अपने रीयूनियन को अचीव करें। मेरा ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हमेशा रहेगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।